ये सैकड़ा कितने रुपए का इसका? 95 रुपए सैकड़ा, मतलब हमें 95 एक पतंग 95 पैसे की पड़ेगी है जी। बहुत बहुत स्वागत है अली ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं सबसे सस्ती पतंगें कहाँ पे मिलती हैं वहाँ का ब्लॉग बनाने। तो गाइस इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं। मैं आज आ चुका हूँ पतंगी मार्केट में, जहाँ पे आपको सबसे चीपेस्ट रेटों में पतंगें मिलेंगी। तो चलिए इन भैया से बात करते हैं। तो भैया आप अपना नाम बताओ। शानू नाम है मेरा। हाँ जी। और यहाँ पे होलसेल की पतंग मिलती है। होलसेल रिटेल दोनों में मिल जाएगी। होलसेल रिटेल दोनों मिल जाएंगी। आप अपनी शॉप का कार्ड दिखा दो। मेरा ये कार्ड है जी। ये पतंगे स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है? ये आपको पन्नी वाली से स्टार्ट होगी। ये सैकड़ा कितने रुपए का इसका? 95 रुपए सैकड़ा। 95 रुपए सैकड़ा, मतलब हमें 95 एक पतंग 95 पैसे की पड़ेगी है जी। ठीक है, नेक्स्ट वेरायटी दिखाई हम। बड़ी भी है हमारे पास, 110 रुपए सैकड़ा। अच्छा, ये 110 रुपए सैकड़ा है। बड़ी भी है हमारे पास थोड़ा सा पीछे को। जी जी जी। और आप पतंग का साथ साथ नाम बता दिए, कौन कौन सी पतंग है? ये भी पन्नी वाली है जी, इसकी 130 रुपए सैकड़ा। 130 रुपए सैकड़ा। ये हल्दीराम की भुजिया की प्रिंटिंग है इसमें। जी। और तो नेक्स्ट वेरायटी अपनी कौन सी है? ये भी है पन्नी वाली है। तो नेक्स्ट वेरायटी ये एनिमेशन वाली है, कितने रुपए सैकड़ा? 140 रुपए सैकड़ा। मतलब ये आपको एक पतंग पड़ेगी 1 रुपए 40 पैसे की। और ये रिटेल में क्या बिकती होगी आपकी? ये देखिए, इससे बड़ी बच्चों के लिए बहुत अच्छी पतंग जी। ये कितने रुपए सैकड़ा है? ये 450 रुपए सैकड़ा। ये 450 रुपए सैकड़ा है आपका। ये रिटेल में आपके 7-8 रुपए की बिकती होगी। अच्छा जी। हाँ, 450 रुपए का सैकड़ा इसका भी। ये बताइए कितने रुपए का सैकड़ा? 450 रुपए का सैकड़ा है सिर्फ ये जी। ये कौन सी पतंग, क्या नाम है इसका? 850 रुपए सैकड़ा ही है। क्या नाम है इस पतंग का? पूछ वाली। पूछ वाली। तो चलिए और दिखाइए पतंग आप। ये कितने रुपए सैकड़ा? ये भी इतनी ही है, 95 रुपए। ये 95 रुपए सैकड़ा ही है। ये बिकती कैसे, कितने रुपए की है ये? ये पतंग आपकी बिक जाएगी 20 रुपए की, बेच दीजिए 20 रुपए की। आप अगर 95 रुपए में खरीदेंगे तो 20 रुपए की आप बेच सकते हैं ये। दिखा दो, दिखा दो। इस पतंग का क्या नाम है? ये झालर वाली पतंग। झालर वाली पतंग। ये कितने रुपए सैकड़ा? ये 4 पतंग है 80 रुपए की। ये 4 पतंग है 80 रुपए की। अच्छा, ये स्पेशली बनवानी पड़ती होगी? अच्छा, ऑर्डर देके बनवानी पड़ती है। अच्छा, ये क्या नाम है इस पतंग का? यही पूछ वाली है। अच्छा, कितने रुपए सैकड़ा इसका? ये सैकड़ा नहीं है, इसमें हिसाब से मिल रही है। ये भी चाहिए आपको 60 रुपए का चौका। 60 रुपए का चौका। अच्छा, तो चलिए ये पन्नी की पतंग हो रही है, इसकी वैरायटी पूरी हो गई। वैरायटी हो गई इसकी, पूरी हो गई। तो चलिए अब चलते हैं कागज की पतंग पर। ₹250 सैकड़ा। अच्छा, ये आपको 2.5 रुपए की पतंग है। ये मार्केट में 5 रुपए की बिकती होगी। 5 रुपए की बिकती है वाली पतंग। और ये देखिए, ये सब मैं हमारी
120 रुपए सैकड़ा, मतलब 1 रुपए 20 पैसे की पतंग है ये एक। तो चलिए ये कौन सी पतंग है? ये मंजोली पतंग है। 360 रुपए सैकड़ा। 360 रुपए सैकड़ा सिर्फ ही है जो ये आपकी रिटेल में कितने बिकती है? 6 रुपए की, 7 की, 5-6 रुपए की बिकती है। और ये अद्धी है, ये अद्धी है आपकी 500 रुपए सैकड़ा। 500 रुपए सैकड़ा कितने की बिकती है? ये 10 रुपए की, 10 रुपए की बिकती है अद्धी। और इससे बड़ी दिखा देता हूँ आपको, सबने बड़ी का अपना बाप। ये क्या नाम है इस पतंग का? सबने बड़ा अद्धी पोना। अच्छा, सबसे बड़ा पोना। क्या रुपए? 100 रुपए का चोगा। 100 रुपए का चोगा। अच्छा, 25 रुपए की एक पतंग। 25 की एक पतंग। ये देख, पतंग ही है जी। बेस्ट पतंग। अच्छा, सबसे बेस्ट पतंग है। कलर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये भैया हमें कलर दिखा रहे हैं पतंग के। ये रसगुल्ला है, चारखाना है। अच्छा, ये भी है, इसमें और भी कलर है, बहुत सारे कलर है। ये देखो गोला है, ये गोला, ये भी वही रेट है, ये भी वही रेटों में है। अच्छा, भैया हमें दिखा रहे हैं चरखी की सारी वैरायटी। तो देखिए, दिखाओ भैया। ये देख लीजिए, पांडा है इसका नाम। इस चरखी नाम पांडा। कितने रुपए की रील? कितने रील की? ये 6 रील की चरखी है। हाँ, 1200 रुपए की। 6 रील की चरखी है 1200 रुपए की। इस मांजो पांडा नाम है इस मांजो का। और बेचेंगे तो ये 300 की रील बिकती है। अच्छा, 300 रुपए की पर रील बिकती है। 6 वो है आपकी 6 रील की चरखी। 6 रील की चरखी है। क्या नाम है इसका? ये चरखी है 6 रील की। अच्छा, क्या नाम है इस मंजे का? अच्छा, ये भैया हमें स्टिकर दिखा रहे हैं। मैदानी, बरेली का फेमस मैदानी मंजा। 700 रुपए की चरखी है। 700 रुपए की चरखी है ये वाली मैदानी डोर की। और इससे छोटी भी है हमारे पास। इससे आप छोटी चरखी दिखा रहे हैं भैया हमें? छोटी चरखी 3 रील की चरखी है मैदानी की। ये देखिए, क्या नाम है इस चरखी का? किस? ये 3 रील की चरखी है। अच्छा, ये 3 रील की चरखी है 150 रुपए की। गुड्डू भैया की 300 रुपए की चरखी है ये। हमें सद्दी की वैरायटी दिखाए हैं, तो भैया बताइए सद्दी के बारे में। ये वर्तमान का है, 70 रुपए का कौन डिग्री का है, 325 रुपए का डिब्बा है। अच्छा, 325 रुपए का डिब्बा है ये। हमें पड़ेगा कितने रुपए का? आपको पड़ा ये 32 रुपए का। अच्छा, 32 रुपए का हमें पड़ेगा। और सीधा डबल मतलब 70 रुपए का बिक्री का है ये। 70-80 जिन्हें अपना न्यूली बिजनेस खोला टेम्परेरी 15 अगस्त के हिसाब से, तो आप पतंगियों का बिजनेस खोल सकते हैं। भैया का एड्रेस मैं लिंक में दे दूंगा, आप भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भैया बताओ इसके बारे में। ये 225 रुपए का डिब्बा है। 225 रुपए का डिब्बा है। बेच सकते हैं 50 का। अच्छा, 40 का बेच सकते हैं। अच्छा, तो ये कौन सी वैरायटी है? ये नई वैरायटी आई है, ये मिस्टर हीरो। मिस्टर हीरो है 160 रुपए का। 160 रुपए का जितने बेच सकते हैं, 30 रुपए का। अच्छा, ये हमें पड़ती कितने का? एक गिट्टा आपको कितने का पड़ा ये लगा लो आप। 16 रुपए का गिट्टा पड़ता है हमें, और आप इसे बेच सकते हैं 30-40 रुपए का बेच सकते हैं आप इसे। ये 35 रुपए का डिब्बा है। ये पूरा डिब्बा 35 रुपए का है। ये देखिए भैया खोल लें, 35 रुपए का डिब्बा है, 10 रुपए की बिक्री का है। ये 10 रुपए की बिक्री का एक रिले, ये हमें 3.5 रुपए का पड़ता है। दस का बेच लो आप, 20 का बेच लो, आपके ऊपर है। तो ये भैया की दुकान है, आप इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट करें।